नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी ललिता की जुबानी में। हमारी आज की कहानी गलती। पिता के साथ एक बेटे ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, कहानी के माध्यम से सुनते हैं दोस्तों। बंबई जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकी ही थी कि भागदौड़ शुरू हो गई। अंदर वाले यात्रियों को उतरने की जल्दी थी और बाहर वालों को अंदर जाने की जल्दी थी, पर गाड़ी काफ़ी देर रुकती है इसलिए अंदर वाले बाहर आ गए और बाहर वाले भी धीरे धीरे अंदर पहुंच गए। मेरा बर्थ नंबर था 15 और 17 नंबर की बर्थ खाली थी। उस पर 2-3 लड़के लड़कियां आकर बैठ गए। वह काफ़ी बड़ा झुंड था और सब लोग यहां वहां बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी, तभी एक बुजुर्ग किसी तरह लड़खड़ाते हुए आए और मेरी बर्थ के पास आकर रुक गए। ऐसा लगता था जैसे भूले ही गए हों कि उनका बर्थ कहाँ है। काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे, उनके कपड़े गीले हो गए थे, लगता था वह बाथरूम में गिर गए थे। वे दो लड़के और लड़कियां तुरंत खड़े हो गए और उन बुजुर्ग से पूछा, क्या यह बर्थ आपकी है? वह रुआसे से बोले, मुझे याद नहीं है। उनकी शक्ल देखकर लगता था कि वे रो पड़ेंगे। कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ जाइए, हम टीटी से पता कर लेंगे। वहीं एक थैला लटका हुआ था, उन्होंने वह थैला उतार कर बुजुर्ग को दिखाया। क्या यह आपका है? बुजुर्ग थोड़ा सा खुश हुए, हाँ यह मेरा ही है। आपका नाम क्या है? मुझे याद नहीं। बुजुर्ग बेहद परेशान लग रहे थे। आप अकेले सफ़र कर रहे हैं? आपके साथ कोई नहीं है, है ना? मेरे बेटे और बहू और पोते और पोती, वे लोग कहाँ हैं? वे भी यहीं कहीं बैठे होंगे। रात में हम सब ने साथ में खाना खाया था, फिर वे आकर मुझे यहाँ लेटा गए। बहू साथ में है ना, इसलिए। पर अब वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हम सब को बुजुर्ग पर तरस आने लगा। आपकी जेब में जो मोबाइल है उसमें उनका नंबर होगा। उन्होंने मोबाइल निकाल कर लड़के के हाथ में रख दिया। मोबाइल में न तो नंबर था। लड़के ने मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें सिम कार्ड भी नहीं था। यह तो बड़ा उलझा हुआ मामला होता जा रहा था। लड़के टीटी के पास गए और पता लगा कर आए कि उन बुजुर्ग का नाम रामेश्वर है। अपना नाम सुनकर बुजुर्ग प्रसन्न हो गए, हाँ मेरा नाम रामेश्वर है। टीटी भी पीछे पीछे आ गया। कल रात ये अपने बेटे बहू के साथ बैठे खाना खा रहे थे। उन्होंने बताया कि वे सीट नंबर 50, 51, 52 और 53 पर हैं। बुजुर्ग को धीरे धीरे याद आने लगा, हाँ मेरे बेटे का नाम कमलनाथ है, उसके साथ बहू और 2 बच्चे भी हैं, हम सब जयपुर जा रहे हैं। टीटी परेशान हो गया। उसने वापस अपना चार्ट देखा और कहा कि नहीं, सिर्फ आपका टिकट जयपुर तक का है, बाकी उन चारों का टिकट तो सवाई माधोपुर तक का ही है। आप कहाँ से चढ़े थे? लड़कों ने पूछा। मुंबई से चढ़े, मेरा लड़का रेलवे में काम करता है। तो फिर ये कैसे हुआ कि एक टिकट तो यह बर्थ नंबर 17 पर और बाकी लोग 50 पर? टीटी ने जवाब दिया कि यह ऐसा हुआ होगा कि इनका टिकट बहुत पहले बुक करवाया था और वह 4 टिकट बाद में बुक किए गए थे, इसलिए अलग अलग हैं। रात को बैठकर खाना खा रहे थे इसलिए मुझे ध्यान था कि ये पूरा परिवार एक साथ है। अब बात साफ थी, यह पूरा परिवार एक साथ है, पर बेटा बहू नहीं चाहते थे कि बुजुर्ग उनके साथ सवाई माधोपुर उतरे। योजना यह थी कि वे सब सवाई माधोपुर उतर जाएंगे और बुजुर्ग जयपुर स्टेशन पहुंच जाएंगे। दोनों लड़के लड़की बहस करते हुए बर्थ नंबर 50 पर पहुंचे। बहस तो सारे डिब्बे में चल रही थी। कैसा जमाना आ गया है, लोग अपने बुजुर्गों को यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं, उनका ध्यान नहीं रखना चाहते। हाँ, उनकी जायदाद जरूर चाहते हैं। मैं मन ही मन में यही सोचती हुई उनके पास गई, जानना चाहती थी कि मामला क्या है। वहाँ कमलनाथ बैठे जलेबी कचौरी वगैरह समोसों का नाश्ता कर रहे थे। कोटा स्टेशन पर बहुत बढ़िया कचौरी मिलती है।
आपके पिताजी वहां बैठे हुए हैं। आपने उनके बारे में कुछ सोचा है? हाँ, हमने वेटर से कह दिया था कि जो भी चाहिए उन्हें दे दे। कौन सा वेटर? आपको खुद जाकर नहीं देखना चाहिए था। वे तो अपने बाथरूम तक नहीं जा सकते। अब टीटी भी ने उनकी गर्दन पकड़ी। आप सब लोग तो सवाई माधोपुर उतर जाएंगे। पिताजी अकेले जयपुर जा रहे हैं। हाँ जी, आपको कोई एतराज? मेरा छोटा भाई जयपुर रहता है, वह उन्हें लेने आएगा। और अगर वह लेने नहीं आया तो जयपुर आखिरी स्टेशन है, कहाँ जाएंगे? ये बुजुर्ग, टीटी ने फोन करके रेलवे पुलिस को बुला लिया। अगला स्टेशन सवाई माधोपुर ही है, आप लोग यहीं खड़े रहो और देखना है कि ये लोग उन 17 नंबर की बर्थ पर बैठे रामेश्वर प्रसाद को साथ लेकर उतरे। एक बात तो और बताइए, उनके पास मोबाइल है, उसमें कोई सिम नहीं है, इसका मतलब है? इसका क्या मतलब है? लड़के ने गुस्से में कहा। मतलब साफ है, ये लोग चाहते हैं कि पिताजी जयपुर जाएं या कहीं भी जाएं, इनकी बला से कहीं भी जाएं। ये लोग उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। शायद कमलनाथ कुछ मारपीट करने वाला ही था, पर पुलिस को देखकर सहम गए। हम सवाई माधोपुर में ही इन्हें उतार लेंगे। हम वहां की पुलिस को फोन कर देंगे, आप जहां भी जाएंगे वे आपका ध्यान रखेंगे। पर ये बात सही नहीं है कि ऐसे पिताजी को अकेला बिठा दिया और फिर उनकी कोई खबर ही नहीं ली कि वे सुबह कैसे बाथरूम में जाएंगे, चाय वगैरह का क्या होगा, उनके पास तो पानी की बोतल तक नहीं है। सचमुच आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कमलनाथ क्या कहते, चुपचाप बैठे सुन रहे थे। हम लोग भी उठ गए, कब तक वहां खड़े रहते। चलते चलते लड़की ने न जाने क्या सूझा, उसने कमलनाथ को थपती दी और जाते जाते बोल गई, भाई साहब आपसे एक गलती हो गई, आपने अपने पिता को कुंभ के मेले में छोड़कर आना चाहिए था, वहां से कोई भी आपके जनक पिता को आपके पास पहुंचाने नहीं आता और ना ही किसी प्रकार से आपको इस प्रकार से टेंशन होती, आप सब प्रकार से फ्री हो जाते, लेकिन आपने ये गलती कर दी कि उन्हें साथ ले आए, ऐसा लड़की ने व्यंग्य करते हुए कमलनाथ से कहा। तो दोस्तों, हमें अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय भी हम भी बुजुर्ग होंगे और हमारा परिवार भी जिस तरह से हमें देखेगा वैसा ही करेगा। आशा करती हूँ ये छोटी सी सीख देने वाली कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।